नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झाबुआ जिले के काकनवाड़ी के पास ग्राम पंचायत चौकवाड़ा में बन रहे केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत 8 लेन सुपर फास्ट रोड पर निर्माणाधीन ब्रिज के गिरने से 12 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण के दौरान एक बार फिर से हादसा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काकनवाड़ी के करीब नवापाड़ा व चौकवाड़ा के बीच ब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा था। हादसा हुआ उस समय सरिया बांधने का कार्य चल रहा था। हादसे में मजदूर नवापाड़ा निवासी भूंडा पीता सोतान कटारा की मौत हो गई है। वहीं अन्य 12 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए थानला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे निर्माण कर रही कंपनी निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों की जान के साथ लापरवाही करती है। यह साफ नजर आता है कि कई निर्माण कार्य स्थल पर आप देख सकते हैं कि मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है। उम्मीद है कि इस हादसे के बाद निर्माण करने वाली कंपनी मजदूरों की जान के साथ खिलवाड़ करना बंद कर देगी और मजदूरों की सुरक्षा का वह आसपास रह रहे नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल रखेगी। इस संबंध में जब हाईवे के संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहिए तो उनका मोबाइल बंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? आपका कैसे क्या हुआ आपके साथ ये हादसा? कितने लोग थे आप लोगों के साथ? 20-25 आदमी था। और किसी को भी लगी? हाँ। किसी के कोई मरने की जानकारी आपको है क्या? एक मर गया। क्या नाम? आपका क्या नाम है? लुकेश। काकनवानी के पास चौकवाड़ा में जहां पर अभी एक दुर्घटना घटी है, जिसमें पुलिया जो बन रही थी, निर्माणाधीन थी, उसके गिरने यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये लोहे के जो बड़े बड़े सलिए हैं वे गिरे हुए हैं और कई लोगों के इसमें दबने की आशंका बताई जा रही थी, जिन्हें चोटें भी आई है और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ की मौत भी हुई है। झाबुआ से जियाउल हक कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज।